चलिए गाइस सो लेट्स स्टार्ट अवे विद लेबर कॉस्टिंग अभी लेबर कॉस्टिंग इज़ बोल सकते हो तुम लोग देर आर फाइव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है फाइव फैक्टर्स की वजह से जिसको हम लोग फाइव एम्स भी बोलते थे ओके okay. शायद अगर मालूम होगा तो मेरे को बोल सकते हो फाइव एम्स के अंदर एक आता है मेन एक आता है मटेरियल एक आता है मनी मनी एक आता है मशीन्स और लास्टली में थर्ड करके कुछ नहीं होता बेटा तो मैनेजमेंट होता है ओके तो दैट इज योर फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आउट ऑफ ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स ऑब्वियसली आई आल बी कंसर्न विद मेन ओवर हियर नाउ मेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर विल इंक्लूड द वुमेन ऑल्सो ओके

मतलब लाइक यू नो कि सपोज कोई फैक्ट्री को झाड़ू मार रहा है फिर मशीन्स को ग्रीस कर रहा है फिर उसके बाद मशीन्स की साफ सफाई करता है वो नॉट डायरेक्टली एंगेज विद प्रोडक्शन ठीक है तो वी आर स्टार्टिंग अभी विद लेबर कॉस्टिंग नाउ लेबर कॉस्टिंग तुम्हारी कॉशिंग का जो सेकेंड हेड है दैट इज लेबर ओके दैट इज योर डायरेक्ट लेबर तो हम लोग यही चीज कंप्यूट कर रहे हैं कि यार व्हाट शुड बी द वेजेस टू बी पेड दैट इज वन थिंग सेकेंड अगर वर्कर कभी अच्छा काम करे देन इन दैट पर्टिकुलर केस यू शुड ट्राई टू गिव हिम समथिंग एक्स्ट्रा मेरे को बोलो वर्कर को हम लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तुम लोग क्या बोलते हो कि उस एक्स्ट्रा चीज को आप लोग उसको इंसेंटिव बोल दो माइट बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर विल कॉल इट बोनस इट इज द इंसेंटिव ओनली ओके अभी इंसेंटिव के बहुत सारे क्राइटेरियाज वगैरह हो सकते हैं ओके सो विल ट्राई टू सी ऑल दो पर्टिकुलर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वर्कर एक ओवरटाइम करेगा तो फिर क्या होगा ओके दैट ऑल्सो वीर आर कंसर्न अबाउट इन दिसके अभी इंस्टीट्यूट uh, ने इस चैप्टर के ना थोड़ा बहुत चेंजेस किया था पोर्शन कट वो कर दिया था सो दैट पार्ट सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गो यूज टू अस एस डिलीटेड पर्टिकुलर पार्ट ओके जो भी तुम्हारे पोर्सन के अंदर नाउ वर्कर्स वर्कर्स कैन बी पेड बेस्ड ऑन टू काइंड ऑफ सिस्टम वट आर दीज टू काइंडम्स ईदर वी पे दम बेस्ड अपॉन पीस रेट ईदर वी पे दम बेस्ड अपॉन पीस रेट ओके और वी पे दम बेस्ड अपॉन टाइम सिस्टम ओके इसको हम लोग टाइम वेजिस भी बोल देते हैं ओके पीस रेट क्या होता है और टाइम बेसिस क्या होता है पीस रेट एज ए नेम सजेस्ट आई पे अपॉन नंबर ऑफ दैट दे ऑल मेक ओके तो अगर कभी पीस रेट सिस्टम है एक वर्कर का जो पेमेंट है वो कैसे कंप्यूट होगा इट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन टू रेट पर यूनिट ऑब्वियसली आई एम फिक्सिंग रेट पर यूनिट ओवर हियर ओके रेट पर यूनिट इन टू नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस विल भी नथिंग बट दीस रेट सिस्टम ओके अगर टाइम वेजेस सिस्टम है मेरे को बोल दो यार तो वर्कर को अगर टाइम के हिसाब से पे करने का होगा उस बंदे का जो वेजेस है वो कैसे कंप्यूट होगा नंबर ऑफ आरस वर्क इन टू रेट पर आर ठीक है ना एक चीज जरा याद रखना चाहे रेट पर आर हो चाहे रेट पर यूनिट हो ओके okay? रेट्स हैव टू बी नोन टू अ वर्कर बिफोर ही विल स्टार्ट द वर्क ओके काम स्टार्ट करने से पहले वर्कर लोगों को रेट्स मालूम होने चाहिए ओके okay? अगर बंदे लोगों को रेट नहीं मालूम है चाहे रेट पर आर हुआ चाहे रेट पर यूनिट हुआ उसका काम करने का कोई मतलब नहीं है एक वर्कर जब फैक्ट्री ज्वाइन हुआ वो रेट नहीं पूछा ओके okay? काम करता गया काम करता गया महीना खत्म हुआ तो मैनेजमेंट के पास गया बोलता सर पगार दो मैनेजमेंट ने उसको बोला हमको तो लगता था तू का काम कर रहा है ओके तो ऑब्वियसली रेट्स हैव टू बी नोन इन एडवांस ओके तुम लोग जिधर आर्टिकल शिप करोगे तुमको वो लोग आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले बताएंगे दैट एट वॉट रेट योर स्टाइपेंट विल बी कमिंग ओके सो ऑब्वियसली वेर एव योर वर्किंग यू शुड बी नोइंग दीज पर्टिकुलर थिंग्स इन एडवांस तो इतना एक बेसिक चीज जरा याद रखना रेट्स हैव टू बी नोन टू द वर्कर बिफोर इन दिस केस द प्रोडक्शन विल स्टार्ट ठीक है सो दीज आर द टू पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ सिस्टम दैट आर देयर ओके अभी पीस रेट सिस्टम जो होता है ना उसके अंदर भी देर आर टू वर्जन दैट आर देयर ये टू वर्जन क्या है यू माइट हैव समिंग कॉल्ड एज एस पी आर यू माइट हैव समिंग कॉल्ड एज डी ओके अभी एसपीआर क्या होता है डीपीआर क्या होता है एसपीआर बोले तो सिंगल पीस रेट या फिर कई लोग इसको स्ट्रेट पीस रेट भी बोल देते हैं ओके okay. डीपीआर क्या होता है इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिफरेंशियल पीस रेट ओके एक मिनट चाहे ये हो चाहे ये हो ये पीस रेट सिस्टम है ना पीस रेट सिस्टम के ना वर्कर का रेट पर यूनिट फिक्स हो जाता है एग्जांपल के तौर पर वर्कर को बोला भाई एक यूनिट बनाएगा दस देगा उस बंदे ने बीस यूनिट बनाया आज तो वो पैसा दो सौ रुपया घर लेके जाएगा दिस विल बी हिज वेजेस फॉर द इंटायर डेज मेड ट्वेंटी पर यूनिट ओके अभी इन दिस पर्टिकुलर केस ना ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं तुमको आगे बोल रहा हूं स्ट्रेट पीस रेट के अंदर क्या होता है बराबर से सुनना देखो स्ट्रेट पीस रेट के अंदर देर इज वन रेट एप्लीकेबल टू यू बस दैट्स इट ओके मैंने वर्कर को बुलाया मैंने उसको बोला तू एक काम कर तू एक यूनिट बनाएगा ना तेरे को पंद्रह रुपया देगा <coughs> बोलता है ठीक है साहब मेरे को पूछता साहब मैंने दिन का दस यूनिट बनाया तो मैंने बोला भाई तू डेढ़ सौ रुपए घर लेके जाना <coughs> बोलता है साहब अगर मैंने स्... दिन का बीस यूनिट बनाया तो मैंने बोला तू तीन सौ रुपए घर लेके जाना <coughs> बोलता अगर मैंने साहब चालीस यूनिट बनाया मैंने <coughs> बोला भाई मेरी बात सुन तेरे को जितना यूनिट बनाने का है तो बना फॉर एवरी यूनिट आई एल बी पेइंग यू रूपीज फिफ्टीन ओके सो इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाला जो चीज है देर इज वन सिंगल रेट एप्लीकेबल टू यू देर इज वन सिंगल रेट दैट इज एप्लीकेबल टू यू इेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स यू मेक अगर ऐसा करेंगे तो दिस पर्टिकुलर रेट विल बी कॉल्ड एज विच रेट एसपीआर yeah, a... एसपीआर बोले तो ना या ना तो ना सिंगल पीस रेट या स्ट्रेट पीस रेट ठीक है तो दिस इज वन सिस्टम दैट इज देयर ओके तो फिर डीपीआर क्या होता है डीपीआर बोले तो डिफरेंशियल पीस रेट डिफरेंशियल बोले तो डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफिशिएंसी मैंने एक वर्कर को बोला सुन अगर तू दिन का पचास यूनिट या उससे कम बनाएगा ना 50 यूनिट्स और लेसर देन 50 ठीक है 50 यूनिट्स और लेसर देन 50 आई बी पेंग यू एट द रेट ऑफ रुपीज टेन पर यूनिट ठीक है एंड आई टेल हिम अगर तूने 50 यूनिट से ज्यादा बनाया 50 यूनिट से ज्यादा बना लिया ये ये लेस देन 50 ग्रेटर देन तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस आई विल इंक्रीज योर रेट टू ट्वेंटी पर यूनिट ओके ये ऐसा सिस्टम अगर होगा दिस विल बी डीपीआर डीपीआर सिस्टम बोले तो डिफरेंशियल पीस रेट डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट लेवल्स एंड दैट इज वेयर द नेम ऑल्सो ऑरिजिन तो कोई एक वर्कर है उसने दिन का 40 यूनिट बनाया मेरे को सर आप बोलो चालीस यूनिट फॉर एवरी यूनिट आई विल पे दैट गाय एट द रेट ऑफ Then, अगर उसने 80 यूनिट्स बनाया एवरी यूनिट आई बी पेइंग एट व्हाट पर्टिकुलर रेट 20 ठीक है सो देयरफॉर एक रेट नहीं है बेटा यहां पे ना देर आर मल्टीपल रेट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डिफरेंशियल पीस रेट ठीक तो देर आर टू पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ सिस्टम्स ओके यू हैव इन दिस केस अ पी रेट सिस्टम इन दैट यू हैव एसपीआर एंड डीपीआर और उसके बाद इन दिस केस यू हैव टाइम वेजेस टाइम वेजेस मतलब मैं वर्कर को बोलता हूं भाई एक काम जरा करना तू एक घंटा काम कर मैं ना तेरे को थर्टी रुपीज पर आर देता है बोलता सर अगर मैंने दिन का पांच घंटे काम किया तो मैंने बोला पागल फिर तू डेढ़ सौ रुपए घर लेके जाना सर अगर मैंने दिन का पंद्रह घंटे काम किया तो मैंने बोला पागल फिर तू साढ़े चार सौ रुपए घर लेके जाना तेरे को जितना काम करने का है तू कर ओके फॉर एवरी आर आई बी पेइंग यू रुपीज थर्टी पर आर अगर ऐसा होगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज अ टाइम बेसिस सिस्टम अपनी नोटबुक्स के अंदर एक टाइटल दो जरा राइट डाउन लेबर कॉस्टिंग चैप्टर थ्री लेबर कॉस्टिंग। नेक्स्ट टाइम भी लिखना देर आर देर आर Two popular systems of wage payments. Two popular systems of wage payments. Next, I will go first. Piece rate system. Dash. Here the workers are paid based on number of units. here the workers are paid based upon number of units. Next I wages is equal to number of वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन टू रेट पर यूनिट नेक्स्ट एम्पल लिखना सेकेंड टाइम वेजेस सर वेजेस के बाद क्या मुझे वेजेस इज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट जो स्क्रीन पे लिखा है आगे सेकंड टाइम बेसिस सिस्टम डैश हेयर द वर्कर्स आर पेड बेस्ड ऑन Number of hours worked. Number of hours worked. Next sign, Bilikna Wages is equal to. नंबर ऑफ आर्स वर्क इंटू रेट पर आर नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन लिखो बराबर से लिखना वेदर इट इज रेट पर यूनिट वेदर इट इज रेट पर यूनिट or rate per hour comma it has to be known to the workers it has to be known to the workers before they start the work before they start the work चलो सुन अभी ना आज का अपना मेजरली जो टॉपिक है ना दैट इज ऑल अबाउट टाइम बेसिस सिस्टम ठीक है आज हम लोग टाइम बेसिस सिस्टम के ऊपर ही रिसर्च करने वाले हैं ठीक है अभी टाइम बेसिस सिस्टम के अंदर हम लोग क्या बोल देते हैं ध्यान से जरा सुनना मेरी बात देखो एक वर्कर आया बोलता है साहब आप मेरे को पगार कितना देगा मैंने बोला सुन 1 घंटा बराबर से काम करना देखो ₹20 देता है बोलता साहब ठीक है ओके मैं काम करूं मैंने बोला कर भाई ओके तो तू काम कर फिर ओके नाउ उसने अगर एट आवर्स काम किया तो ऑब्वियसली इन दैट पर्टिकुलर केस आई बी पेइंग हिम कितना रुपीज यार? 160. ये जो वन सिक्सटी है ना ये जो वन सिक्सटी है ओके इन दिस पर्टिकुलर केस

सो दे इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर दिस विल बी कॉल्ड एज अगर उसको कुछ भी एक्स्ट्रा देंगे वन सिक्सटी के अलावा दैट विल बी कॉल्ड एज बोनस अभी जरा सोचो एफिशियंसी का मतलब क्या होता है सर एफिशियंसी का मतलब होता है कि एग्जाम्पल तुम लोग मेरे को बोला इज अ वर्कर एफिशियंट नो एट आर्स के अंदर बंदे को दस यूनिट बनाना चाहिए था लेकिन एट आर्स के अंदर बंदे ने बारह यूनिट बनाया मेरे को बोलो इज ही एफिशियंट Yes. तो एफिशिएंसी का एक मतलब यूनिट्स एग्जांपल अपना दो घंटे का लेक्चर वो होता है ओके जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तुम लोग बहुत डम लोग था हम लोग दो घंटे के अंदर दो ही क्वेश्चन करते थे अभी मेरे साथ रह के तुम लोग इंटेलिजेंट हो गए ओके तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ गई तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होएगा कि अभी तुम लोग दो घंटे के अंदर आगे बोलो दो से ज्यादा सम सॉल्व कर लेते हैं ठीक है तो दिस इज वन मीनिंग ऑफ द टर्म ओके। एफिशियंस ओकेर कोट एन अदर मीनिंग ऑल्सो कुछ ऐसा पहले की बात है बीस यूनिट बनाने के लिए पांच घंटे लग जाते थे ठीक है लेकिन अभी सेम बीस यूनिट बनाने के लिए चार घंटे ही लगते हैं मेरे को बोलो आर वर्कर्स एफिशियंट येस और नो यस ओके सो इन दिस केस वी ऑलवेज ट्राई टू बी सींग एफिशंसी का इन दो में से एक मतलब हो सकता है आर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट वर्कर्स प्रोड्यूस मोर यूनिट्स और यूनिट्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट आगे तुम लोग बोलो वर्कर्स टेक लेस नंबर ऑफ आर्स इन एनी केस अगर वर्कर एफिशियंट है ना उसको बोनस तुमको देना चाहिए बोल दो सर क्यों देना चाहिए हम लोग नहीं देंगे तो हमारी मर्जी वो हमारी कंपनी है मत दो फिर वर्कर्स शायद तुम्हारे साथ वो रहेंगे भी नहीं यू डू रिमेंबर टू गेट वर्कर्स नो इट इज नॉट ऑलवेज हर एक ओनर ये नहीं सोचता कि मेरे को सबसे सस्ता लेबर चाहिए ओके ऑनेस्टली ज्यादातर लोग ज्यादातर जो ओनर्स होते हैं ऐसा सोचते हैं मेरे को सबसे अच्छा लेबर चाहिए जो लॉयल रहेगा जो हमारे साथ बहुत सालों के लिए वो टिकेगा ओके okay. इवन इफ यू हैव टू पे एक्स्ट्रा इट इज वर्थ इट शायद क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल ऑल्सो भी बेटर और मेरे को कोई टेंशन वगैरह तो वो नहीं होगा ओके okay. जो सस्ते वर्कर्स होते हैं दे ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ नेगेटिविटी ओके अगर उन लोगों को पगड़ कम देंगे वो लोग सबको वो बोलते रहते हैं पगार कम मिलता है अपना भी नाम खराब होता है सो इन दिस केस नो वर्कर्स हैव टू बी गुड फॉर गेटिंग गुड वर्कर्स यू हैव टू बी अ गुड एम्प्लॉयर ऑल्सो पे दैम गुड यार ओके okay. तो एफिशियंसी का मतलब होता है इन द सेम आवर्स वर्कर्स प्रोड्यूस मोर यूनिट्स और फॉर द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स वर्कर्स वर्कर्स टेक लेस आवर्स इन एनी केस दैट मींस आर एफिशिएंट ठीक है अगर वर्कर एफिशिएंट है तो उसको यार कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दो दैट कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इज बी कॉल्ड एज बोनस अभी बोनस देने के लिए ना दुनिया में दो लोग पैदा हुए थे ओके वेरी 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 फेमस वन ऑफ देम वाज हेल्थ जेम्स ओके One of them was Rowan, Edward Rowan. Okay. अभी उसको रावन नहीं बोलने का तो रोवन ही okay. है, तो पहले आया था जब यह बंदा ऊपर गया तब दूसरा बंदा जो है तो वो नीचे आया था ठीक है आई रिक्वायर दैट काइंड ऑफ थिंग की पहले कौन सा स्कीम आया था ठीक है तो बोनस के लिए ना देर आर टू वेरी फेमस स्कीम वन इज हेल्से रोवन ठीक है अभी ध्यान से सुनना मैं अपना एग्जाम्पल जो है अभी वो बदल रहा हूं ठीक है एक वर्कर ना अपनी फैक्ट्री के अंदर ज्वाइन होता है बोलता साहब पगार कितना देगा मैंने बोला चल तूने पगार पूछ लिया ना तो देखो पगार ही पहले बोल देता हूं तू एक घंटा काम करेगा ना देखो बीस रुपया देगा तू एक घंटा काम करेगा बीस रुपया देगा बोलता सर मैं कल से काम करना स्टार्ट कर देगा मैंने बोला सुन काम करने से पहले एक चीज मैं बोल देता हूं दिस पर्टिक्यूलर केस बराबर से सुनना जरा प्लीज वन यूनिट वन यूनिट शुड टेक टू आवर्स टू गेट प्रोड्यूस्ड ये क्या है वी से दिस इज समथिंग कॉल्ड ए स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है इट इज अ टाइम अलाउड बाय द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ओके तो मैंने उसको बोला भाई सुन हमारे हिसाब से हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वन यूनिट शुड बी टेकिंग टू आवर्स तो इस टाइम को बीट कर मैं तेरे को बोनस भी देता है बोलता सर ठीक है ओके ना दिस इज स्टैंडर्ड टाइम एक चीज जरा याद रखना हमेशा 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 स्टैंडर्ड टाइम जो है ना उसको बहुत स्ट्रिक्ट मत करो उसको बहुत लूज मत करो एग्जाम्पल तुम लोगों ने इतने चैप्टर्स अगर होमवर्क सेक्शन वाले किए तो ओके okay. मैंने हर होमवर्क सेक्शन के लिए यहां पर मैं ये वाला चीज लिखता हूं एज पर मी दिस इज नाथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम ओके स्टैंडर्ड टाइम मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस दिस इज द टाइम दैट आइडियली ऑल शुड बी टेकिंग फॉर सॉल्विंग वन क्वेश्चन यार ओके okay. मेरे को जरा बोलो सपोज इस क्वेश्चन को नौ मिनट और सात सेकेंड लगने चाहिए थे ठीक है लेकिन मैंने ना बुक के अंदर जानबूझ के लिख दिया दिस क्वेश्चन शुड बी ओवर इन टू मिनट ओके मेरे को जरा बोलो अगर मैंने ऐसा किया तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा

वर्कर को कोई मोटिवेशन ही नहीं होएगा। वर्कर यही सोचता रहेगा साला मैं इतना काम करूं तू बोलता है एक एक को दो घंटे लगता है मैं अभी एक चीज रिवर्स भी तो ट्रू है जरा सोचो ना ये क्वेश्चन के लिए नौ मिनट सात सेकंड वो लगने चाहिए ओके मैंने यहां पे नाइन के बदले में नाइनटी मिनट्स और सेवन सेकेंड्स लिखा को बोलो उसकी उसका क्या होगा अगर वैसा किया तो मतलब आई डोंट थिंक सी इफ समारगेट एवरीबडी कैन अचीव ओन देन इन दैट केस इट इज अस टारगेट नो ओकेशन में नॉट बी देर ओनली इफ एवरीबडी कैन अचीव देन देर इज नो मोटिवेशन ओन ओके सपोज इफ आई टेल यू यू हैव टू स्कोर मिनिमम फोर्टी परसेंट इन बी कॉम एग्जाम इफ आई एवर टेल यू लाइक दिस ओके तुम लोग अंदर से सर मैं तो नहीं भी पड़ेगा तो भी साठ परसेंट तो ही जाएगा ना सो टारगेट शुड बी बिट डिफिकल्ट। इट बी दैट इजी कैनॉट बी दैट डिफिकल्ट ओके बहुत मुश्किल हुआ कोई अचीव नहीं कर पाता ओके okay. एग्जाम्पल के तौर पे जरा तो वो सोचो ना तुम्हारे आईसीए के एग्जाम्स के अंदर वो लोग सपोज कल को एक नया रूल डाला पासिंग पहले फिफ्टी था कल से अभी जब न्यू एग्जाम्स होंगे इट विल बिकम 95 परसेंट ओके तुमको कोई मोटिवेशन नहीं होएगा तुम लोग तो छोड़ ही देगा एग्जाम ओके ओके यू यू तो ऑब्वियसली इफ इट बिकम्स टू टफ देन लाइक ऑल्सो देर इज नो मोटिवेशन आज सच ओके तो इंस्टीट्यूट बोलता है अगर तुमको एक मार्क भी मिला ना तुम लोग सीए बन जाएगा ओके तो सभी लोग करेगा ना फिर ओके तो इट्स वैल्यू विल बी गोइंग डाउन तो इसके लिए ना स्टैंडर्ड टाइम ऐसा रखो दैट इफ अमल पर्सन वर्क स्लाइटली हार्डर ही शुड बी एबल टू बीट इट तुमको स्टैंडर्ड टाइम समझा तो स्टैंडर्ड टाइम इन रियल लाइफ ना जब कंपनी सेट करता है ना ओके दे शुड ट्राई टू तो सेटअप विद दिस काइंड ऑफ अ माइंड सेट ओके कि यार ऐसा टाइम रखो ताकि वर्कर्स वॉन्ट टू बी वर्किंग हार्ड ओके तो एंड इफ दे विल वर्क हार्ड इफ दे विल बीट दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव दोनस ठीक है सुनो तो अभी एक यूनिट के लिए दो घंटा लगना चाहिए था ठीक है अब आगे जरा सुनना वर्कर लोगों ने एट आवर्स काम किया बराबर से सुनना बराबर से वर्कर लोगों ने एट आवर्स काम किया और उन लोगों ने पांच यूनिट बनाया ठीक है उन लोगों ने पांच यूनिट बनाया पहले मेरे को जरा बोलो आर वर्कर्स एफिशिएंट और इन एफिशियंट देफिशियंट हाउ डूर सी दैट ओके आई सी दैट इन वेरी सिंपल वे ओके सर One unit should have taken two hours. तो eight hours के अंदर आगे तुम बोलो ना कुछ फोर यूनिट्स बनाना भी चाहिए भी। था लेकिन कितना यूनिट्स वो बना लिया five. Efficient. Five. अगर ऐसा नहीं बोलना तो आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो रिवर्स कैसे बोले तो वन आवर्स तो वर्कर लोगों ने कितना यूनिट्स बनाया बेटा five. Five units को अगर वन यूनिट को टू आवर्स लगना चाहिए था फाइव यूनिट्स को कितना आवर्स लगना चाहिए था बेटा टेन आवर्स वर्कर लोगों ने कितना आवर्स लिया

देख अभी तू काम स्टार्ट कर रहा है काम स्टार्ट करने से पहले मैं तेरे को दो चीजें बोलता है वर्कर ने पूछा क्या उसको बोला देख एक घंटा तू काम तेरे बी को बीट कर तेरे को बोनस भी दे देगा बोलता साहब ठीक है ओके उसने काम स्टार्ट करना स्टार्ट किया ठीक है ये उस बंदे का डे वन था डे वन डे वन उस बंदे ने ना पांच यूनिट्स ठीक है? पांच बनाएं, है? से सुना मैं क्या बोलने वाला कितना चाहिए था मेरे को वो टेन है? ए बोले तो टाइम अलाउड ठीक है बंदे को टेन आवर्स लगना चाहिए था ठीक है उस दिन ना उस बंदे ने टेन आवर्स ही लिया ठीक है टी टी बोले तो टाइम टेक्न या फिर वर्ग भी, भी बोल सकते हो ठीक है तो टाइम अलाउड वाज 10 आवर्स तो पांच यूनिट के लिए 10 घंटे लगना चाहिए था उस बंदे ने सच्ची में पांच यूनिट के लिए 10 घंटे लिया तो मेरे को जरा बोलो यहां पे डिफरेंस क्या आ जाएगा जीरो टीएस बोले तो टाइम सेव्ड टाइम सेव्ड जीरो, जीरो। ओके अच्छा मेरे को जरा सोच समझ के बोलना जो भी तुमको स्क्रीन पे है आई एम ट्राइंग टू तो कीप नंबर्स दैट सिंपल कि तुमको कैलकुसी की जरूरत ना पड़े मेरे को पहले जरा बोलो उस बंदे को पेमेंट कितने आर्स के लिए मिलेगा मेरे को वो तुम लोग बोलो टेन आर्स। अगर मैं तुमको कभी पूछू ऊपर वाला टेन के नीचे वाला टेन रिप्लाई मत करना ओके okay, रिप्लाई मत करना दो मिनट के बाद रिप्लाई करना तो सबसे पहले बेसिक वेजेस बेसिक वेजेस विल बी टेन आवर्स इनटू रुपीस ट्वेंटी पर आवर तो उसको बेसिक वेजिस कितने रुपीज का मिल जाएगा टू हंड्रेड मेरे को बोलो डिजर्व एनी बोनस कुछ बोनस देने का उसको नहीं क्योंकि सर ही वॉज नॉट एफिशियंट सर ओके सो केस बोनस इज गो ठीक है चलो ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट डे की कहानी अभी उसके बाद सेकेंड डे की कहानी ठीक है सेकेंड डे की कहानी अभी सेकेंड डे की कहानी कुछ ऐसी अभी बंदा ना सोच के आया था घर से आज तो बोनस लेकर ही जाऊंगा मैं आज उसने पांच यूनिट बनाने के लिए उसको आज भी दस घंटे ही लेना चाहिए था उस बंदे ने नौ घंटे लिया ठीक है तो उस बंदे ने टाइम कितना बचाया आवर आवर ठीक है सेव्ड फॉर द कंपनी ठीक है बराबर से सुनना अब मेरे को जरा बोलना यू विल पे हिम हिज बेसिक वेजेस बेसिक वेजेस फॉर कितना आवर्स टेन आवर्स के नाइन आवर्स ऑब्वियसली फॉर नाइन आवर्स ठीक है यू ऑलवेज रिमेंबर दैट बेसिक वेजेस आर पेड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू ऑल वर्क ओके So therefore, he has worked for nine hours. उस बंदे ने दस घंटे के लिए दस घंटे के काम के लिए उस बंदे ने नौ घंटे लिए okay. तो उसको जो बेसिक वेजेस मिलेगा ना नाइन आवर्स के लिए मिलेगा तो सर ये तो अनफेयर है अनफेयर नहीं है जस्ट वेट फॉर द स्टोरी टू गेड तो नाइन आवर्स इन टू रुपीज ट्वेंटी पर आवर तो उस बंदे को बेसिक वेजेस कितना मिल जाएगा वन एट्टी हल बी पेड वन एट्टी बॉक्स ठीक है

लेकिन ये तो 20 नो? Yes, तुमको ये वाला उसने के लिए बीस रुपए तो बचाया ना यार बाकी वर्कर लोग तो शायद दस घंटे ही लेता होगा वो लोग को बीस रुपए के हिसाब से दो सौ रुपए का पगार मिलेगा तुम लोग तो एफिशिएंट है तू नाइन आवर्स ले है तू एक घंटा बचा है मतलब तू बीस रुपया बचा है यार ओके तो सबसे पहले दुनिया में पैदा हुआ हेल्सी दुनिया में पैदा हुआ हेल्से हेल्से क्या बोलता था जितना भी वेजेस इस बंदे ने बचाया उसका आधा उसको बोनस के तौर पे दे दो तो मेरे को जरा बोलो यहां पर बोनस कितने का आएगा टेन रुप बस या ये वाला चीज तुम लोग समझ लो जो मैंने बोला वरना ज्यादातर बुक्स तुम्हारा मॉड्यूल वगैरह एक फॉर्मूला रटवा देता है मैं वो रटवा सकता था वैसे तो देखो ट्वेंटी रुपीज का बोनस कैसे आता है इट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड रेट पर दिस इज द बोनस दैट कम्स अंडर हेल्थ से स्कीम ओके अंडर हेल्थ से स्कीम फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड मेरे को बोलो टाइम सेव जो है वो कितना है टाइम सेव्ड आवर इंटू रेट पर आर कितने का है ट्वेंटी तो बोनस कितने का आ जाएगा टेन सोचो टेन रुपीज का बोनस तो इन ऑल इस बंदे को कितना रुपीज का वेजेस मिल जाएगा वन नाइनटी तो बोलता है सर ये बंदा तो अभी भी पागल है ओके मेरे को बोलो ये बंदा अभी भी क्यों पागल है तो। सर अगर नॉर्मल वर्कर होता तो दो सौ रुपया घर लेके जाता सर ये तो घूंचू निकला ये तो वन नाइनटी रुपीज ही घर लेके जा रहा है ये घूंचू नहीं है तुम घूंचू बेटा सुनो आवर में और कुछ बना सकता वो दो सौ रुपया घर लेके जाता कितने आर्स काम करने की वजह से दस रुपया लेकिन अब अभी वो वन नाइन्टी रुपीज घर लेके जाएगा कितने आर्स काम करने की वजह से No. Nine. 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 उसने Nine. भी एक घंटा बचाया है अगर वो एक घंटा किधर और जाकर काम कर ले एग्जाम्पल 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 ओके तो उस आर के अंदर उस बंदे को बीस रुपया तो मिल ही जाएगा तो इन एनी केस ही विल बी मच बेटर ऑफ तुमको समझ में आता है yes. या फिर आई टेल यू इन सिंपल वर्ड्स यू शुड लर्न हाउ टू कंप्यूट इफेक्टिव आर्ली रेट कोई बोलता सर इफेक्टिव आर्ली रेट का मतलब फेक्टिव आर्ली रेट का मतलब बोनस को जोड़ के रेट पर आर कितना मिला डे वन टू हंड्रेड फॉर टेन आवर्स मतलब उसको पर आर कितने का रेट मिल गया ट्वेंटी लेकिन नेक्स्ट डे उसको वन नाइन मिला डिवाइडेड बाई नाइन जरा वन नाइनटी अपॉन नाइन करोटेंटी वन पॉइंट वन वन तो इज मच बेटर ऑफ एज सच ओके अभी ये हो गई हेल्थिस हेल्थ स्कीम ना समझना बहुत सिंपल था एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ स्कीम बाई जितना भी वेजेस तू कंपनी के लिए बचाएगा उसका आधा वी विल गिव यू ऑल बैक ठीक है अब ना यही वाला एग्जाम्पल मैं किधर छोटा छोटा वो दिखता जा रहा हूं यू ऑल है फॉर्मूला तो रेट पर आर रेट पर आर इज रुपीज ट्वेंटी ठीक है ये जो फाइव यूनिट्स बनाने का है ना मैं इसको बोल देता हूं दिस इज वन जॉब ठीक है सपोज पांच यूनिट वो बनाना इज वन जॉब ठीक है तो तो पांच यूनिट बनाने के लिए कितना चाहिए था बेटा टेन आवर्स क्योंकि वन यूनिट शुड हैव टेकन आवर्स ये पिछला वाला ही एग्जांपल है जस्ट आई एम राइटिंग इट वन वंस मोर क्योंकि मेरे को बहुत सारे वो कॉलम चाहिए ठीक है टाइम अलाउड टाइम टेकन टाइम सेव्ड टेन फर्स्ट डे टेन ही दिया तो टाइम सेव्ड कितने का आ गया जीरो ठीक है बेसिक वेजेस कितने का आएगा टू हंड्रेड बोनस कितने का आएगा जीरो टोटल वेजेस कितने का आ जाएगा टू हंड्रेड ये वाला जो काम है ये हो गया अभी उसके बाद डे वन ओके टेन आवर्स का काम बंदे ने नाइन आवर्स के अंदर कंप्लीट कर दिया सो दे फॉर टाइम बी वन मेरे को बोलो उसका बेसिक वेजेस तो कितना आया था वन एटी और बोनस कितने का आ गया था 10 तो हिस टोटल बेजिस विल बी 190। नाइनटी अभी ये जो बंदा था ना बहुत इंटेलिजेंट था इसको समझ में आ गया था कि यार हेल्थ स्कीम के अंदर अगर मेरे को ज्यादा बोनस चाहिए मेरे को आगे तुम लोग बोलो जल्दी काम करना मेरे को काम जल्दी खत्म तो वो करना चाहिए ओके तो ना नेक्स्ट डे सोच के आया था काम फटाफट कंप्लीट करूंगा तो टेन आवर्स का काम बंदे ने एट आवर्स के अंदर कंप्लीट किया टू आवर्स बच गया उस बंदे का डायरेक्टली बोनस विल बी ट्वेंटी फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव टू रेट पर आ रे फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव सो टाइम सेवी टू रूपीज सॉरी टू आवर्स इन टू रुपीज ट्वेंटी तो यहां पर बोनस आ जाएगा बीस रुपए का ये बंदा बहुत खुश हुआ उस दिन किधर गया सॉलिड खुश हुआ ओके okay. तो वन एटी रुपीज का वेजेस घर लेके गया बट बाय वर्किंग ऑब्वियसली फॉर इट आवर्स ये बंदे को समझ में आ गया था बोलता है मैं ना अपना स्पीड सॉलिड बढ़ाएगा सॉलिड बढ़ाएगा काम फटाफट करेगा ओके थर्ड डे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ ठीक है सुनो 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 टेन 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 सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन मतलब टाइम सेव जो है कितने का होएगा बेटा थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके बेसिक वेजेस तुमको इतना समझ में आता है कि बेसिक वेजेस बीस रुपए से कम होता रहेगा क्योंकि वो एक घंटा काम जल्दी खत्म कर रहा है तो ऑब्वियसली ये कम हो जाएगा तो वन फोर्टी 120 उसके बाद 180, 60, 40, 20 तुमको ये भी समझ आता है कि जो बोनस है, दस रुपए से बढ़ता रहेगा अगर वो एक घंटा और बचा रहे है, उसका आधा वापस वो, वो आ जाता है ना एक घंटा बचाना बोले तो बीस रुपया बचाना उसका आधा कम्स बैक टू हिम ओके तो दिस इज थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी 90 ठीक है बस तो दिस फिगर इज वन सेवेंटी this figure in this particular case is 160, 150, 140, 130, 120, 110। खुद ब खुद अभी जरा सोचो कि ना, स्कीम के अंदर एक वर्कर को ना एक ही चीज का मोटिवेशन होता है क्या सर काम जल्दी खत्म करते हैं सर सर जितना जल्दी काम खत्म करेगा उतना मेरे को बोनस मिलेगा सर ओके खुद ब खुद जरा सोचो अगर कभी ऐसा होना स्टार्ट हो गया कंपनी की तो वाट लग जाएगी को सर क्यों खुद ब खुद जरा सोचो हाँ यू ट्राई टू थिंक नो आई डू अंडरस्टैंड लाइक यू नो कि दस मिनट का काम तुम लोग नौ मिनट के अंदर कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं तुम लोग को सम देता हूं ये वाला सम सॉल्व करो मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं दस मिनट का काम अगर कोई नौ मिनट के अंदर कर देता है जो मैंने तुम लोग को बोला एक सम सॉल्व करो दस मिनट लो किसने नाइन मिनट के ना खत्म किया ना आई अंडरस्टैंड ही इज हींट कोई और है सर मैं तो एट मिनट्स के अंदर कर देता हूं आई अंडरस्टैंड के अंदर एक मिनट के अंदर मतलब तू पागल है तू सुपरमैन की औलाद नहीं है ओके सो इफ दस मिनट का काम यू आर ट्राइंग टू फिनिश इफ टेन मिनट्स का जॉब यू ट्राई टू फिनिश इन वन मिनट मतलब यू मस्ट बी कुछ बोलो आगे पागल

तो हेल्से का ना ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि वर्कर्स हैड अ टेंडेंसी टू कंप्लीट द जॉब फास्टर जरा वो सोचो ना मैं मानता हूं भाई की तू तो एफिशिएंट है मैं मानता हूं कि तू तो टैलेंटेड है लेकिन अगर तू तो टैलेंटेड भी है ना आई डू अंडरस्टैंड तू दस आ तू दस घंटे का काम छह घंटे के अंदर कर सकता है शायद मैं यह भी बोल सकता हूं तू दस घंटे का काम पांच घंटे के अंदर कर सकता है लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तू दस घंटे का काम एक घंटे के अंदर करेगा अगर तू ऐसा कर रहे हैं मतलब यू आर डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी ऑफ द गुड तो जरा सोचो मैनेजमेंट लूजेज ऑन टू एंड्स विच टू एंड एक तो क्वालिटी खराब ओके okay. दूसरा यू आर पेइंग द वर्कर हंड्रेड एंड टेन रुपीज फॉर वर्किंग फॉर वन आवर नो सो टेक्निकली ये जो नब्बे रुपया है ना जरा सोचोगे दिस इज एक्चुअली नॉट बोनस दिस इज लॉस फॉर दिन यू शुड बी पेनस वेन गाइड जॉब वुब इज डूंग दस घंटे का काम कोई एक घंटे के अंदर करे तो वॉट गुड जॉब इज डूंग ओके तो यह चीज ना हेलसे के अंदर बहुत ज्यादा होता जा रहा था ओके पीपल अनड्यूली वॉन्टेड टू जस्ट कंप्लीट द जॉब ओके एज सून एज पॉसिबल ओके ताकि इन दिस पर्टिकुलर केस द बोनस इज गोइंग टू बी हायर ओके ये हो गई हेलसे की कहानी जेम्स से ओके okay. ये गया ऊपर ऊपर रोवन को नीचे भेजा जैसे रोवन नीचे आया ना उसने सबसे पहले तो बोला हेल्से तो सारा पागल है ओके okay. बोलता है ऐसा फिफ्टी परसेंट फ्लैट बोनस मैं नहीं देने वाला हूं उस बंदे ने एक स्कीम निकाली जरा ध्यान से सुनना उसका बोनस का जो फॉर्मूला था ना रोवन का वो क्या था बोलता मैं ना फ्लैट 50 परसेंट बोनस नहीं देगा मैं ना सबसे पहले एक परसेंटेज निकालेगा वो परसेंटेज कैसे कंप्यूट होगा टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड एक ये परसेंटेज निकालेंगे एंड दिस परसेंटेज आई विल अप्लाई टू योर बेसिक वेजेस दिस आल अप्लाई टू योर बेसिक वेजेस और जितना ये वाला फिगर आता है ना तेरे को उतना बोनस दे देगा ओके okay. अभी देखना अगर कोई बंदा रोवन स्कीम के अंदर होएगा तो यही दस दिन के अंदर उसकी कहानी कैसे चलेगी ओके मेरे को बोलो फर्स्ट डे ये वाला दिन ये वाला दिन ये वाला दिन बंदे को तुम लोग बोनस कितने का देगा बेटा जीरो क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ टाइम वगैरह तो बचाया नहीं ठीक है लेकिन यहां पर तुमको बोनस कंप्यूट करना पड़ेगा तुम लोग मत करो सुनो टाइम सेव्ड टाइम सेव्ड वन आवर डिवाइड बाई टाइम अलाउड डिवाइड बाई टाइम अलाउड इन कितने का था बेटा 180. 180. तो यहां पर बोनस कितने का आ जाएगा एटीन अभी तुम लोग एक चीज जरा सोचना तुम लोग वर्कर है जिनको हेल्थ स्कीम अप्लाई हो रहा है मैं वर्कर हूं जिसको रोवन स्कीम अप्लाई होता है मेरे को बोलो तुम में से और मुझमें से कौन सा बंदा ज्यादा खुश होएगा होगा रोवन, रोवन, रोवन. हाँ, मतलब मैं ज्यादा खुश होएगा मेरे को बोलो क्यों बिकॉज द बोनस इज हायर नो ओके तो जादा 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 तो ज्यादा सब वर्कर सॉलिड खुश ओके okay, जिन लोग को भी रोवन स्कीम के ऊपर डाला वो लोग सॉलिड खुश रोवन बाबा की जय ओके ही वाज डूइंग एक्सेलेंट बिकॉज द बोनस दैट इज बींग गिवन टू अ वर्कर इज फार हायर यार तो एटीन रुपीज इज फार हायर एज कंपेयर टू टेन रुपीज वर्कर्स वॉज सॉलिड हैप्पी फिर बह का लोगों ने सोचा सर और काम जल्दी करेंगे सर ओके करो फिर तो यहां पर अभी देखते हैं बोनस कैसे 30. कंप्यूट होगा बी टू डिवाइडेड बाय बोलो 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 टू डिवाइडेड बाई टेन इंटू बेसिक वेजेस इंटू बेसिक वेजेस वन सिक्सटी तो यहां पर बोनस कितने का आ जाएगा थर्टी टू मेरे को जरा बोलो अगर तुम लोग इस दिन का वर्कर है सेकेंड डे का वर्कर है विल यू बी मोर बहुत खुश था क्योंकि देवर गेटिंग मोर बोनस यार, ओके तुम लोग अभी अपना कैल्सियो उठाओ फटाफट कंप्यूट करते रहो थ्री टू अपॉन टेन इंटू हंड्रेड फोर्टी टू मेरे को बोलो यूल मोर और और रोवन रोवन क्योंकि दिस बोनस इज फारोर देन बोनस दैट गोइंग टू बी गेटिंग अंडर टेन इंटू वन ट्वेंटी कितना आ जाएगा? लोग खुश, क्योंकि यहां पे होते तो फोर्टी रुपीज का ही बोनस मिलता अभी तो फोर्टी एट का मिल रहा है वर्कर लोग सॉलिड हैप्पी लेकिन यह खुशी अब खत्म हो जाएगी फाइव अपॉन टेन इंटू हंड्रेड फिफ्टी बस देर बोनस नाउ इज सेम एज हेल्थ रोवन क्या बोलता था बोलता था आई डू अंडरस्टैंड कि वर्कर एफिशिएंट हो सकता है आई डू अंडरस्टैंड दैट ओके लेकिन आई ओनली अंडरस्टैंड दैट अ वर्कर कैन बी बेस्ट एफिशिएंट इफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम बोलता इससे जल्दी अगर तू काम खत्म कर रहा है ना मतलब यू आर डिस्ट्रॉइंग क्वालिटी ऑफ माई प्रोडक्ट तो सब लोगों ने पूछा फिर तू उसके लिए क्या करेगा बोलता मैं कुछ नहीं करूंगा आप फॉर्मूला अप्लाई करो समझ में आ जाएगा देखो जरा सिक्स अपॉन टेन इंटूटी तो फोर्टी एट आ जाएगा अब मेरे को जरा बोलो हु विल बी मोर हैप्पी हेल्थ की रोवन है अभी आगे तुम लोग कुछ मत बोलना लेट मी ट्राई टू फिनिश सेवन अपॉन टेन इंटू सिक्स तो ये आ जाएगा फोर्टी टू एट अपॉन टेन इंट फोर्टी थर्टी टू नाइन अपॉन टेन इंट ट्वेंटी जैसे जैसे बोनस बड़ा वैसे वैसे बोनस कम होता है इट इज सिमिट्रिकल सबको सिमिट्रिकल का मतलब मालूम है ओके सो इट ऑल गेट्स डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स बराबर से सुनना अभी देखो रोन वॉज अ ग्रेट स्कीम ग्रेट स्कीम बिकॉज वर्कर्स वर ऑलवेज मोर हैप्पी एटलीस्ट ऑन दिस साइड वाई बिकॉज देवर गेटिंग मोर बोनस एज कंपेयर टू अगर वो लोग हेल्थ स्कीम के ऊपर होते है ठीक है लेकिन अगर तुम लोग स्पीड और बढ़ाओगे वी डू अंडरस्टैंड कि इतना स्पीड बढ़ाना इज नॉट पॉसिबल अगर तुम लोग दस घंटे का काम चार घंटे के ना खत्म करेगा तीन घंटे के ना खत्म करेगा दो घंटे के ना खत्म करेगा एक घंटे के अंदर खत्म करेगा सो रोवन द प्रोडक्ट आई विल रिड्यूस द बोनस तो ये साइड जो है ना ये साइड जो है दिस इज एडवांटेज ऑफ द स्कीम फॉर द मैनेजमेंट एंड दिस साइड इज द एडवांटेज ऑफ द स्कीम आगे कोई बोलेगा फॉर द वर्कर्स ओके जो वर्कर्स है उनको बोनस तो देना है okay? लेकिन हम लोग बोनस तभी देंगे भाई वेन इन दिस केस यू ट्राई टू स्पीड अप द वर्क विदाउट डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी और रोवन के मंथ के अंदर एक इनबिल्ट अजम्पन था वो क्या बोलता है भाई कोई भी वर्कर इतना एफिशियंट नहीं हो सकता कि दस घंटे का काम चार तीन दो या एक घंटे के अंदर कर ले ऐसा चीज दुनिया में होता ही नहीं बोलता और अगर ऐसा हो रहा है मतलब यू आर डिस्ट्रॉइंग क्वालिटी ऑफ माई माई प्रोडक्ट आई विल बी रिड्यूसिंग और बोनस जरा सोचो ना अगर तुम वर्कर है अगर तुम वर्कर है तो तुम लोग अगर अपना स्पीड बढ़ाएगा ना तुम लोग अपना स्पीड इसी लेवल तक बढ़ाएगा क्योंकि तुमको मालूम है कि अगर इससे ज्यादा स्पीड बढ़ाया तो अपना बोनस कम हो जाएगा तुमको समझा तो yes, ऑटोमेटिकली yes. so, वो लोग दस घंटे का काम मैक्सिमम इन दिस पर्टिकुलर केस अगर जल्दी जल्दी भी करेगा पांच घंटे के अंदर ही करेगा उससे जल्दी करने का ट्राई नहीं करेगा बिकॉज बोनस विल बी सो ऑटोमेटिकली वो लोग काम थोड़ा हड़ु हड़ू करेगा ओके okay, थोड़ा आराम आराम से करेगा ऑटोमेटिकली क्वालिटी विल बी प्रिजर्व इज दिस दंडरस्टूड तो अगर तेरे को कभी भी ऐसा कुछ पूछा ना ध्यान से सुनना जरा प्लीज Suggest a scheme which takes care that workers in the name of the speed do not compromise on quality. Which is the scheme that you oh, all should answer? Rovan. scheme. And remember, no disadvantage. Hai. This side is the advantage. This side is the advantage of the scheme for the labor. for the labour. And this side is the advantage of the scheme for the फॉर द कंपनी या मैनेजमेंट यू ऑल कैन बी सीट पर्टिकुलर थी रोवन सिखाने का था यहाँ पे लिख क्या है? हम इतने क्वेश्चन करेंगे ना कि फॉर्मूला वगैरह की अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी ओके तुमको वो धीरे धीरे वो चीजें याद हो ही जाएंगी बस एक लास्ट चीज सुनो मेरे इस के को जरा बोलो वन यूनिट कितना आर्स यार? टू आर्स इस टाइम को हम लोग कौन सा टाइम बोल देते हैं स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम मतलब इट इज अ टाइम सेट बाय द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ठीक है इट्स टाइम सेट बाय द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट अभी जरा सोचो ये वाला टाइम भी कैसे ना कैसे कंपनी सेट ही करता होगा ना करेक्ट नो no? ये ये तो नहीं है कि ओनर को एक दिन भगवान जी सपने के अंदर आए और उसको बोले एक यूनिट के लिए वक्त दो घंटे लगना चाहिए अभी वैसा तो हो नहीं सकता ओके okay, वो ऑब्वियस बात है कैसे ना कैसे ये वाला चीज भी तो कंप्यूट ही होता है ओके okay. और ये वाला चीज मैंने तुमको बोल दिया ऐसा रखना दैट इट इज नीदर टू स्ट्रिक्ट इट इज नॉट टू इजी ठीक है स्टैंडर्ड टाइम भी ऑलवेज से शुड बी द परफेक्ट टाइम शुड बी द आइडियल टाइम इतना टाइम वर्कर को लगना चाहिए ठीक है अभी ये वाला टाइम रियल लाइफ के अंदर कैसे कंप्यूट होता है और ये चीज तुमको मेरे अलावा नो बुक विल एवर टेल यू दैट कि इन रियल लाइफ ये वाली चीजें तो कैसे होती है ठीक है मॉड्यूल्स बस तुमको बोल देता है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है दे डोंट एक्चुअली ट्राई टू बी कमिंग टू दैट कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे कंप्यूट होता है सो लेट मी ट्राई टू टेल यू दैट अभी ना हमारे फैक्ट्री के अंदर हजार वर्कर लोग था ठीक है हजार वर्कर लोग था आज ना सैटरडे था ठीक है कंपनी को ना स्टैंडर्ड टाइम सेट करना था फॉर द नेक्स्ट मंथ ठीक अच्छा एक और छोटा सा चीज याद रखना स्टैंडर्ड टाइम शुड बी चेंज वेन एवर मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पहले हम लोग गुड्स हाथ से बनाते थे ठीक है अभी कंपनी मशीन्स लेके आया अभी मशीन्स लेके आया ना तो स्टैंडर्ड टाइम चेंज होना चाहिए सो स्टैंडर्ड टाइम शुड ऑलवेज बी चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज ठीक अभी बराबर से सुनना मैं क्या बोलने वाला है आज ना सैटरडे था क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने वर्कर लोगों को पूछा कल संडे है वैसे तो तुम्हारी छुट्टी है कितने वर्कर्स को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए तो हजार में से सौ वर्कर लोगों ने हाथ उठाया सर हम लोग कल आके काम करेगा अपने को पैसे की बहुत जरूरत है मैनेजमेंट ने बोला ठीक है तुम लोग कल आ जाना ओके okay. एंड तुम लोग यहां पे प्रोडक्शन वगैरह वो करना ओके okay. मैनेजमेंट ने एक और चीज बोल दिया कल का दिन तुम लोग को सिर्फ काम करने का है कोई बोनस वोनस वो नहीं मिलेगा वी आर कॉलिंग यू फॉर सम पर्पज एंड वी आर गिविंग ऑल अ चांस टू अर्न सम मनी तो नेक्स्ट डे सौ वर्कर आ गए कंपनी का जो टाइमिंग था वो था टेन ए एम टू सिक्स पी एम ठीक टेन ए एम टू सिक्स पी एम मतलब उन लोगों को कितने आवर्स काम करने का था बेटा एट आवर्स लेकिन तुमको शायद ये भी समझ में आएगा कि ना एट आवर्स वर्कर लोग इकट्ठा काम तो कर नहीं सकता बीच में आगे कुछ बोलो ब्रेक, 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 अलाउड फॉर पर्सनल रोज लंच ब्रेक टी ब्रेक वगैरह वो वो मिलता है, सब कुछ मिलेगा ठीक है वो सब कुछ मिलेगा थीके? वो लोग बोलते चलो सर ठीक है तो सारे के सारे जो वर्कर लोग थे ना दस बजे आ गए उनका लंच ब्रेक एक घंटे का होता है उनका टी ब्रेक फोर्टी मिनट्स का होता है और 20 मिनट उनको रेस्ट करने के लिए वो मिल जाते हैं बीच में सो इन ऑल टू आवर्स का ये वाला टाइम होता है ठीक है टू आवर्स का ये वाला टाइम होता है तो कुछ ऐसा टेन ओ क्लॉक अपने सारे के सारे जो वर्कर लोग थे ना वो सारे के सारे वर्कर लोग आ गए एट टेन ई एम ठीक है उन लोगों को छह बजे तक काम वो करने का था और बीच में दो घंटे का ऑल ये सब कुछ होता है ठीक है तो पूरा का पूरा दिन वैसे ही चला जैसे वो चलने वाला था बीच में एक घंटे का लंच ब्रेक हुआ फिर फोर्टी मिनट्स का ये हुआ ट्वेंटी मिनट्स का भी हुआ, वर्कर लोग चले गए ठीक है आज कितने वर्कर्स आए थे सौ, सौ वर्कर अभी तुमको वो समझ में आएगा ऑल वर्कर्स आर नॉट इक्वल बॉस ओके ऑल वर्कर्स आर नॉट इक्वल ये वर्कर्स जो हैं वो चले गए कंपनी ने ना काउंट करना स्टार्ट कर दिया कि ये सौ वर्कर लोगों ने मिलाकर कितने यूनिट्स बनाए दिस केस जब ही टोटल किया तो पता चला 400 हंड्रेड यूनिट्स बनाए उन लोगों ने 400 को 100 वर्कर्स से डिवाइड कर दिया सो so दे मतलब उन लोगों ने कितना यूनिट्स बनाया है ऑन एन एवरेज फोर यूनिट्स तो मैनेजमेंट ने सोचा मतलब ऑलमोस्ट यार एक वर्कर आठ घंटे फैक्ट्री में रहकर कितना यूनिट्स बनाता है तो उन लोगों ने आज से यही वाला काम कर दिया के अंदर कितना आवर्स तो कि लगना चाहिए okay. शायद कई वर्कर्स बहुत एफिशिएंट होंगे शायद कई वर्कर्स बहुत इनएफिशिएंट भी होंगे लेकिन अगर हम लोगों ने 100 वर्कर्स का एवरेज लिया सो रिप्रेजेंट अ गुड काइंड चीज तो स्टैंडर्ड टाइम इन रियल लाइफ ना ऐसे सेट किया जाता है अभी एक और चीज इसके अंदर मैंने तुमको ये सारी कहानी क्यों बताई मेरे को जरा बोलो इस एट आवर्स के अंदर दो घंटे का लंच ब्रेक भी तो था ना यार ओके वो जो लंच ब्रेक वगैरह था ना दो घंटे का लंच ब्रेक टी ब्रेक वगैरह वो जो भी है ठीक है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम तुम लोगों ने नॉर्मल लॉस किया हुआ है दिस इज नॉर्मल आइडल टाइम व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल आइडल टाइम सर नॉर्मल आइडल टाइम एक मिनट तुम लोग को जरा याद होगा तो नॉर्मल लॉस इज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट उसकी वजह से तुम्हारा कॉस्ट बढ़ता है करेक्ट नो So, yes. normal idle time is basically that particular time that management knows in advance will get wasted. Usually, we say normal idle time is that time hota hai which satisfies three criterias. Se three? It is the time when the workers are present in the factory. First. Second. But they are not working. Third. And management knows this fact in advance. If there is any time aisa hai that satisfies all these three criterias, we say that it is one example of normal idle time. जरा सोचो ना लंच ब्रेक टी ब्रेक डू दे सैटिस्फाई दीज क्राइटेरिया इट्स अ टाइम एन आर प्रेजेंट इन द फैक्ट्री ऑब्वियसली तभी वो फैक्ट्री के अंदर ही तो है ओके सेकेंड बट दे आर नॉट वर्किंग ऑब्वियसली दे आर नॉट वर्किंग ओके वो लोग तो खाना वगैरह खा रहे हैं एंड मैनेजमेंट नोज दिस फैक्ट इन एडवांस मैनेजमेंट नोज दिस फैक्ट ऑब्वियसली इन एडवांस मैनेजमेंट ही तो लंच ब्रेक देता है लंच ब्रेक के लिए घंटी वगैरह तो वो बजेगी ओके तो मैनेजमेंट हैज ओनली अलॉटेड दीज पर्टिकुलर थिंग्स जरा सोचो ना तो नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता था एनी लॉस एट दी नोज इन एडवांस विल हैपन राइट ओके सो नॉर्मल आइडल टाइम इज दैट पर्टिकुलर टाइम नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज समथिंग दैट इज सुपर क्रूशियल फॉर मी अगर एट आवर्स के अंदर टू आवर्स का नॉर्मल आइडल टाइम है हम लोगों ने इसी चीज को इसी चीज के अंदर कन्वर्ट किया तुमको समझा जो मैंने बोला तो अगर आठ घंटे के अंदर अगर आठ घंटे के अंदर दो घंटे का नॉर्मल आइडल टाइम है कोई मेरे को आगे एक और सेंटेंस बोल सकता है तो ये दो घंटे के अंदर तो थर्टी तो मिनट्स का नॉर्मल आइडल टाइम होगा तो एक रूल जरा याद रखना अनलेस अनटिल टोल्ड अदरवाइज स्टैंडर्ड टाइम शुड ऑलवेज इंक्लूड नॉर्मल आइडल टाइम स्टैंडर्ड टाइम शुड ऑलवेज इंक्लूड नॉर्मल आइए ठीक है वो हमेशा इंक्लूड होता ही है इन रियल लाइफ ऑल्सो नो जब हम लोग वर्कर लोगों को पगार देगा ना जब उसको वो पेमेंट देगा हम लोग उसको एट आवर्स के लिए देगा ओके okay. को बोलता काम तो वो लोग छह घंटे के लिए करता है लेकिन वी पे दम फॉर एट आवर्स को बोलता है सर ये तो आप बहुत बड़ा आदमी है ओके okay. ऐसा नहीं होता ओके इन दिस केस इफ यू विल थिंक नो Workers are going to be coming to the factory for 8 hours. Out of that 2 hours, they will not be working. Okay? So, those guys will be supposed to be working for 6 hours. Okay? Suppose you ever thought every hour that workers will work, I will pay them 80 rupees per hour. I okay? will pay them 80 rupees per hour. So, therefore, in this particular case, it will be 480 rupees. Okay? दिस फोर एटी वी ऑलवेज ट्रीट इन कॉस्टिंग एज आप क्या करो यही वाला फोर एटी इधर लिख दो बट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट एज सिक्स आरस इंटू फोर एटी पर आर प्लीज थिंक इट ऑफ एज कोई बोल सकता है मेरे को एट आर इंटू एट आरस इंटू सिक्सटी पर आर हम लोग ना हमेशा कॉस्टिंग के अंदर ये वाला फंडा फॉलो करता है वी ऑलवेज फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग ओके अभी ऐसा मत बोलना सर वाई दू आर पेंगस इज ओनली वर्किंग फॉर सिक्स आवर्स अरे तुम्हारा क्या जाता है अगर मैंने इधर यहां पर आवर्स जो है बढ़ाया मैंने इधर रेट तो कम कर ही दिया ना एज लॉन्ग एज आई एम पेंग इन फोर एटी तो क्या फर्क पड़ता है यार ओके बट वी ऑलवेज फॉलो दिस पर्टिकुलर सिस्टम जब से कॉस्टिंग बना है तब से ज्यादातर लोग जो लोग ऑथर्स वगैरह जो बने जो लाइक यू नो जो, जो फॉरन के लोग वगैरह बिकॉज कॉस्टिंग इज अ ब्रांच जो इंडिया के अंदर जीरो डेवलप हुआ है ओके इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब लाइक यू नो तो यूरोप एंड यूएसए टेक द क्रेडिट फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग जो कॉस्टिंग के अंदर वो बना है ठीक है तो कॉस्टिंग की कोई भी थियरीज यू विल नेवर एवर गेट फ्रॉम ए इंडियन ऑथर ओके तो जिन लोगों ने कॉस्टिंग बनाया था ना दो गैज ऑलवेज टोल्ड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट सिस्टम और इस सिस्टम का एक इंप्लीकेशन जरा याद रखना तुम लोग जिधर भी आर्ट्स लिखोगे ना उन आर्ट्स के अंदर हमेशा क्या इंक्लूडेड होना चाहिए नॉर्मल आई ए टाइम वी ऑलवेज फॉलो दिस येलो वाला वर्कर्स okay. को जब भी पे करोगे यू ऑलवेज पे दम फॉर नॉर्मल इज एट ऑल ओके ठीक है बस इसी थॉट के साथ वी ऑल विल बी स्टार्टिंग कई चीजें यू ऑल है all other things most of them are printed in the book i'm reading that particular thing will five minute by breaking it then we all shall continue okay please. bonus is a compensation for efficiency efficiency is when uh, in same hours workers produce more units or for the same number of units a worker takes lesser hours in any case he is efficient standard time for calculating the bonus we have to compute efficiency for efficiency we require to compute actual performance v need to compare actual performance with something that something is called a standard time standard time set by the management a standard time is the time set by the management to produce one unit standard time is the time against which actual performance will be judged it usually includes normal alert time normal alert time is the time allowed इज लंच ब्रेक टी ब्रेक टाइम अलाउड फॉर पर्सनल नीड्स इज एनी टाइम दैट वर्कर इज प्रेजेंट इन द फैक्ट्री बट इज नॉट वर्किंग एंड मैनेजमेंट नोज दिस फैक्ट इन एडवांस अगर कुछ भी एक ऐसा टाइम है हम लोग उसको कौन सा टाइम बोल देते हैं नॉर्मल आइल टाइम ठीक है बस विद दैट आर जॉब इज ऑल टूगेदर डन ऑलमोस्ट जो आज के तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना वो हेल्से और रोवन के आसपास के ही है ओके okay. तुम लोग बस एक चीज लिखना तुम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ वेजेस वगैरह वो लिखा हो उसको पॉइंट नंबर वन बोल दो पॉइंट नंबर टू जरा लिखो राइट डाउन वेन एवर अ वर्कर इज एफिशिएंट कॉमा पे बोनस whenever a worker is efficient pay bonus full stop for finding efficiency for finding efficiency comma We need standard time. We need standard time. Full stop. Standard time is a time allowed by the management. Standard time is a time allowed by the management to produce one unit. टाइम इज अ टाइम अलाउड बाई द मैनेजमेंट टू प्रोड्यूस वन यूनिट फुलस्टॉप इट इंक्लूड्स एनआईटी इट इंक्लूड्स नॉर्मल आईडल टाइम आप लोग एनआईटी लिखोगे तो भी चल जाएगा अच्छा सुनो लास्ट मिनट तो बिफोर यू गेट सम ब्रेक सुनो मेरी बात देखो अभी कोई ऐसा पूछ सकता है सर ये तो आपने सब एग्जाम्पल दिए वेयर एवर ही टेक्स लेसर टाइम वट है यू इन रियालिटी इफ देयर माइंड बी सम अदर क्लॉज ऑल्सो अगर टेन आवर्स का काम किसी बंदे ने इलेवन आवर्स के अंदर किया ठीक है तो टाइम सेवड आलपोट डैश होनी मेरे को बोलो बेसिक वेजेस कितने का मिलेगा फॉर इलेवन आवर्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी मैनेजमेंट विल यूजली हैव देर सुपरवाइजर्स एंड ऑल दीज पर्टिकुलर पीपल इनिशियंट मैनर ओके And in case वर्कर्स still don't वर्क then you can try to have your own set of penalties or something like that. Okay. अगर वैसा कुछ होगा तो दे विल स्टैंडर्डाइज नहीं है वो हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है यू वर्क फॉर वन आवर वी विल पे यू रूपीज ट्वेंटी अगर भाई तूने 11 घंटे काम किया ना वी आर सपोज टू बी पेंग यू टू हंड्रेड नॉट ट्वेंटी फॉर बोनस ओके को बोलता है सर यहां पे तो पीपल वुड लाइक टू बिकम इन आई डोंट थिंक सो क्योंकि अगर ऐसा वो होगा तुमको एक चीज समझ में आएगा बोनस बोनस तो कभी वो मिलेगा ही नहीं और फिर भी वर्कर लोगों दो सौ बीस मिल रहा है मेरे को, को जरा बोलो कितने घंटे काम करने के बाद ग्यारह घंटे ओके अभी क्या होता है हर कंपनी के अंदर ऐसे लोग होंगे ओके हर कंपनी के फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल मेन यू ऑल विल गो फॉर आर्टिकल शिप नो ओके

अभी आई कैन ऑलवेज बी थिंक इंग सला यार वो तो पागल था बट ही गॉड फर्स्ट रैंक ओके सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स विल हैपन ओनली ओके अगर ये चीजें आपको नहीं चाहिए देन यू ट्राई टू हैव योर ओन सेट ऑफ पेनल्टीज तुम लोग वर्कर को बोल सकते हो दस घंटे से ज्यादा लिया तो इतना तेरे को पेनल्टी लग जाएगा वरना अगर कुछ नहीं बोला है देन वी ऑलवेज विल बी सेइंग अगर ग्यारह घंटे काम किया है तो भाई तेरे को ग्यारह घंटे का वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ऑब्वियसली तब हेल्थ से रोवन का बात भी नहीं करेंगे क्योंकि ही इज नॉट एफिशियंट ओके बट अंडर टाइम बेसिस सिस्टम यू विल ऑलवेज गेट पेड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर गोइंग टू बी वर्किंग ठीक है दैट इज वन चलो सुनो तुम लोग पांच मिनट का ब्रेक लो हम लोग पांच मिनट के बाद आगे स्टार्ट कर लेते हैं किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है ब्रेक के अंदर ठीक है वरना मैं पांच मिनट के बाद स्टार्ट करता हूं इसका शॉर्ट्स क्वेश्चन से ही पांच गुना बड़ा है वो नेक्स्ट पेज पे देख के जाता हूं पांच मिनट में स्टार्ट करता हूं फिर डाउट्स नहीं है तो जो भी स्टार्ट कर रहे हो अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर स्टार्ट करना ठीक तो है तो सिर्फ वही एक साइड जिस साइड के ऊपर ये वाला राइटिंग नो सिर्फ वही एक साइड छोड़ देना सॉरी 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 तो एक साइड और छोड़ दो फिर तो और क्या मतलब आई जस्ट रिक्वायर अराउंड तो हाफ हाफ अ साइड मोर फॉर अदर नोट्स दैट माइट कम बस okay.

बट क्या है बुक्स इन रियल लाइफ के नॉट टेल यू हाउ टू डू द बिजनेस ओके सो इफ यू थिंक दैट देर आर सम फ्लॉज इन दिस वेवर यू आर ट्राइंग टू डू इट यू डोंट हैव दोज पर्टिकुलर फ्लॉज ठीक है बनाना, करना। दो मिनट दो मिनट दो मिनट वो मत बनाओ क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ लिखना भी है बोल सर्विस में जो होटल वाला सम है हम्म और सीजन और ऑफ सीजन वाला उसमें तीन कॉलम ले हैं उसके अंदर आ, जो सीजन ऑफ सीजन वाला है जो विंटर सीजन वाला ना हाँ हां वहां पे फॉर लाइटिंग कॉस्ट यू हैव टू डिवाइड द एंटायर ईयर इनटू दोस थ्री पार्ट्स जो विंटर सीजन है ना वो ऑफ सीजन के अंदर आ जाएगा फॉर अल्सेशन विंटर सीजन इज यूजली द ऑफ सीजन ओनी तो वो चार महीने का कुछ है शायद तो so, बारह महीने के अंदर से जो चार महीने हैं ओके okay, वो जो है वो विंटर सीजन दैट सीजन वहां पर कुछ थर्टी रुपीज होगा ठीक है फिर उसके बाद जो बाकी दो महीने हैं तब भी थर्टी रुपीज होगा और जो बाकी सिक्स मंथस हैं ओके तो एक बार वो देख लेना दिल गेट डिवाइड इन टू थ्री पार्थ ओके ओके एक सिक्स मंथस का होगा जहाँ पे रेट 120 ट्वेंटी होएगा एक टू मंथ्स का होएगा जहाँ पे रेट थर्टी होगा और एक विंटर सीजन होगा जहाँ पे रेट थर्टी होगा वो फोर मंथ्स का होएगा जो सम के अंदर बट वन थिंग यू हैव टू ट्राई टू थिंक दैट द विंटर सीजन विल बी द ऑफ सीजन क्योंकि हिल स्टेशन के अंदर वहाँ पर उतना ज़्यादा रश नहीं होता है

सॉरी वहां पर क्या होना चाहिए ठीक 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 है, है? है, है? तो मैं चेक है? है, तो मैं मैं कर कर लेता लेता ओके थैंक यू फॉर नाउ लेट अस कंटिन्यू सम के अंदर ब्रेक की कोई जरूरत नहीं पड़ती चलो सुनो सर वो टी में इंक्लूड कर दो बराबर थैंक यू आगे चलो तो क्वेश्चन नंबर वन पर आ जाओ प्लीज द टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज आवर्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना दिस इज एग्जैक्टली सेम एज एग्जाम्पल दैट वी ऑल हैव डन राइट नाउ ओके इनफैक्ट मैंने एग्जाम्पल भी वैसा ही बनाया था ताकि तुम्हारा ऑलमोस्ट uh, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाए द आर्ली रेट इज रुपीज ट्वेंटी ठीक है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग बोनस ऑन जो हम लोगों ने किया टोटल अर्निंग्स मेरे को बोलो तुम्हारे हिसाब से टोटल अर्निंग्स जो है कैसे मिलता होगा बोनस प्लस इट विल बी प्लस द बोनस ठीक है एंड आर्ली अर्निंग्स वो देख लेते हैं ठीक है अंडर हैल्सी एंड स्कीम अभी ये चीज पढ़ना जरा फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली फॉर ईच आर सेव्ड प्रोग्रेसिवली ठीक है મેં કહુંલો ટાઈમ અલાઉડ કેટના થા 10 10 બોલો કે શું બોલતા હે યે સબ તીનો ચીજે કેટના હોગા ફોર ઈચ આર સેવડ પ્રોગ્રેસિવલી ઈચ આર બોલે તો અગર 1 ઘંટા બચાય તો 2 ઘંટે બચાય તો 3 4 5 6 7 8 9 ઘંટે બચાય તો ઓબવિયસલી 10 ઘંટે તો બચા નહી શકતા બના કામ કભી કરેગા ઠીક હે તો જરા સોચો અગર 10 ઘંટે કે અંદર સે 1 ઘંટા બચાયા મતલબ કામ કેટને ઘંટે કેના કમ્પ્લીટ કરેગા 9 અવર્સ तो आपको ये सब चीजें कंप्यूट करना है अंडर ऑल दीज ऑप्शन बस मेरे को ऑल ना दो मिनट दे दो एंड देन यू ऑल कैन स्टार्ट ओके टेन हर एक जगह पर आ जाएगा ठीक है टेन विल बी देयर एट एवरी प्लेस अगर एक घंटा बचाया तो दो घंटे बचाया तो तीन चार पांच छे सात आठ नौ तो फिर वो इतना इतना टाइम जो है वो ले लेंगे नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ठीक है

बोनस अंडर हेल्थ से देखो मेरे को ना फॉर्मूला लिखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है आई कैन ऑलवेज बी राइटिंग फॉर यू ऑल ओके लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से अच्छा ना मैं डायरेक्टली सोच लेता हूं दैट टोल्ड यू क्या लॉजिक एक घंटा बचाया मतलब बीस रुपया बचाया सबको ये वाला लाइन समझा उसका आधा उसको बोनस दे दो तो यहां पे बोनस कितने का आ जाएगा टेन यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे ठीक so so ठीक है? है? के अंदर अपने को करना पड़ेगा, तो ये चीजें हम लोगों ने वो किया भी था वन अपॉन टेन इंटू हंड्रेड दिस विल बी एटीन टू अपॉन टेन इंटू वन सिक्सटी दिस विल बी थर्टी टू सो ऑन एंड सो फोर ठीक है बस अब मैं लास्ट चीजें कर रहा हूं ध्यान दो देन यू ऑल कैन स्टार्ट सुनो टोटल वेजेस अंडर हेल्थ से इट विल बी बेसिक वेजेस प्लस बोनस बोले तो यहां पर कितना आ जाएगा 190 और रोवन स्कीम के अंदर और रोवन स्कीम के अंदर यहां पर इट विल बी नथिंग बट बेसिक वेजेस प्लस बोनस कितना आ जाएगा 198 ठीक है अभी एक लास्ट चीज देखो सामने ना क्या पूछा हुआ है आर्ली अर्निंग्स देखो आर्ली अर्निंग्स Cannot mean early rate. वो तो के दिया हुआ बेटा तो इन दिस केस अगर कभी सामने अलग से तुमको आर्ली अर्निंग्स पूछ लिया ना आर्ली अर्निंग्स विल मीन इफेक्टिव आर्ली रेट इफेक्टिव आर्ली रेट क्या होता है इफेक्टिव आर्ली रेट मतलब बोनस को जोड़कर रेट पर आर कितना पड़ा सबको लैंग्वेज समझ में आ गया yes, बोनस को जोड़ के रेट पर आर कितना पड़ा मैंने यहां पर ना तुम्हारी बुक के अंदर वैसे तो वो लिखा भी हुआ है टोटल वेजेस इंक्लूडिंग बोनस डिवाइडेड बाई आर्स वर्क्ड ठीक है एक्सैक्टली exactly वही वाली चीज वो लिखी हुई है तो अगर मैं मेरे क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं तो मेरे को बोलो फर्स्ट केस के अंदर इस केस के अंदर हैलसे के अंदर उस बंदे को टोटल वेजेस कितने का मिला 190. 190 उसको 190 मिला कितने आर्स काम करके बेटा नाइ नाइ तो 21.11 ये वाला फिगर का अपना वो डिस्कशन भी हुआ था और दूसरा वाला 198. डिवाइडेड बाई नाइन तो ये आ जाएगा ट्वेंटी टू सेम वे इन दिस पर्टिकुलर केस यू विल ट्राई टू डू दैट फॉर ऑल द थिंग्स आर सच ठीक है तुम लोग एक टाइटल दे दो और उसके बाद स्टार्ट करना यू ऑल राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग बोनस ऑन सिर्फ हाफ साइड आई रिक्वायर मोर तो आफ्टर द लास्ट थिंग दैट यूल आर रिटर्न ठीक है लिखो स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्ड कॉमा टोटल अर्निंग्स ऑफ लेबर एंड आर्ली अर्निंग्स जो क्वेश्चन है मैं उसी से आई एम ट्राइंग टू डिटेट एंड आर्ली अर्निंग्स आर्ली अर्निंग्स के ब्रैकेट में लिखना इफेक्टिव आर्ली रेट इफेक्टिव आर्ली रेट अंडर हैल्सेन रोवन अंडर हेल्से एंड रो वन ठीक है आप लोग स्टार्ट करो प्लीज सर अंडर हेल्थ अंडर हेल्थ एंड रो वन स्टार्ट करो क्या बेटा क्या पूछा इफेक्टिव आर्ली रेट इज बोनस को जोड़ के कितना पगार मिला तो उसको 190 मिला बाय वर्किंग फॉर कितना आवर्स नाइन आवर्स तो इट इज टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन तेरे को लिखना हो यू कैन पुट एन एस्ट्रिक वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ठीक है तो अब ऐसे निकाल लो

चलो सुनो मैंने ना इसका ऑब्जर्वेशन नीचे शॉर्ट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है बट आई नीड टू टेल दैट टू यू इट्स नॉट पार्ट ऑफ द आंसर ठीक है सुनो टेन आवर्स इज टाइम अलाउड ठीक है उसका हाफ इज फाइव आवर्स ठीक है तो ये वाला जो चीज है ना ये इस चार्ट को दो हिस्सों के लिए डिवाइड करता है यहां पर आकर एग्जैक्टली exactly, मतलब इफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम अलाउड बोनस अंडर हेल्थ से एंड बोनस अंडर रो वन विल ऑलवेज बी सेम ओन हम लोगों ने मेरे ख्याल से देख लिया इधर अगर फाइव आवर्स इज हाफ ऑफ दिस अगर वर्कर इससे ज्यादा टाइम लेता है बोले तो छह घंटे सात घंटे आठ घंटे नौ घंटे ठीक है को एक ही बार बोलना बगैर देखे कि बोनस किधर ज्यादा आएगा हेल्थ के रोबन तुमको चाय की जरूरत है सुनो मेरी बात दस घंटे इस टाइम अलाउड फाइव आवर्स इन दिस पर्टिकुलर केस इज टाइम टेकन मैंने ये पूछा था कि अगर उसने पांच घंटे से ज्यादा लिया छे सात आठ या नौ ठीक है तो बोनस किधर ज्यादा आएगा रोवन के अंदर सो दिस इज एडवांटेज दिस इज एडवांटेज ऑफ रोवन बट इट इज एडवांटेज ऑफ रोवन फॉर होम बेटा फॉर वर्कर्स ओके या फॉर लेबर ठीक है या फॉर लेबर अगर उसने काम इसे जल्दी खत्म कर दिया तो बोनस अंडर रोवन विल बी लोअर बट दिस इज स्टिल एडवांटेज ओननी बट दिस इज एडवांटेज ऑफ रोवन फॉर मैनेजमेंट अगर एक वर्कर को मालूम है कि अगर मैंने स्पीड और बढ़ाया मेरा बोनस कम हो जाएगा तो वो कभी स्पीड बढ़ाएगा ही नहीं ऑटोमेटिकली क्वालिटी विल बी प्रिजर्व ठीक है आई थिंक आई मोक्य अबाउट दिस ठीक है? अच्छा एक बार बसना मैं यहां पे शॉर्ट्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ लेता हूं हेल्थ एंड रोवन आर टू मोस्ट फेमस स्कीम्स इन हेल्थ से बोनस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी आर बोनस हमेशा ही बढ़ता रहता है देर इज अ टेंडेंसी ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड एज बोनस विल राइज ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ आउटपुट विल सफर इन केस ऑफ रोवन बोनस इंक्रीज इज टिल अटन लेवल

if time allowed is 10 hours completing the job in 9 8 7 or 6 hours will give more bonus to a worker under row 1 this is advantage of the workers under the row 1 scheme as compared to Halsey completing the job in 4 3 2 or 1 hours bonus under row 1 will give lesser bonus as compared to Halsey this is again advantage of row 1 scheme but for the management okay चीज आपको आगे जाके बहुत काम में आएगा और अभी एक चीज प्रूव अभी अभी तो कर ही लेते हैं एंड दैट इज पढ़ो जरा ये बोनस अंडर हेल्थ से प्लान विद बोनस एट फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम सेव्ड इक्वल्स टू बोनस पेड अंडर रोवन सिस्टम व्हेन विल दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड एक छोटा सा लाइन में फिर से पढ़ता हूं बोनस पेड अंडर हेल्थ से प्लान विद बोनस एट फिफ्टी परसेंट एक मिनट अपना हेल्थ से का फॉर्मूला क्या होता है फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेवट रेट परसेंट है ना बहुत बुक्स वो वाला फिफ्टी परसेंट कर देता है ठीक है क्योंकि ना क्या हुआ था कि रोवन जब ऊपर गया ना उसका ना एज सच कोई थियरी के अंदर प्रिंटेड नहीं था तो उसका ये जो फिफ्टी परसेंट था ना वो बहुत डिस्प्यूट के अंदर था तो जब भी वो गया ओके उसके दो बच्चे थे पहले बच्चे को पूछा कि पापा ने क्या बोला था कितना परसेंट तो एक बच्चे ने बोला फिफ्टी परसेंट दूसरे ने बोला पापा तो सिक्सटी परसेंट बोल के गया था मेरे को ओके तो ना इट इज नॉट डिफाइंड कि उस बंदे ने एक्चुअली क्या बोला था कई लोग बोलते हैं पचास परसेंट बोला था कई लोग बोलते हैं साठ परसेंट तो इसलिए ज्यादातर बुक्स ना तुमको प्रिंट करके भी देगा कि तुमको के ना फॉर्मुलासेंट लेना है या 60 लेना है है ठीक सामने कुछ नहीं बोला तो आप फिफ्टी ही लोगे ओके लेकिन अगर सामने कभी सिक्सटी बोल दिया देन यू कैन टेक सिक्सटी परसेंट अगर कभी सामने बोला तो ठीक है वो लोग क्या बोलता है बोनस पेड अंडर हेल्थ से प्लान विद बोनस एट फिफ्टी वो ठीक है क्वल टू बोनस पेड अंडर रोवन मेरे को बोलो वेन विस स्टेटमेंट होल्ड गुड दोनों केसेस बोनसॉब इज कम्प्लीटेड इन हाफ ऑफ द टाइम यही चीज मैं प्रूव करके तुमको दे देता दे हूं अबी अबी तो लिखो जरा प्लीज क्वेश्चन नंबर टू लिखो बोनस पेड अंडर हेल्से इज इक्वल टू रोबन तो हेल्से का फॉर्मूला बोनस का वो लिख रहे हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आर Is equal to time saved upon time allowed into basic wages. क्या, क्या क्या कैंसल होएगा देखो कुछ कैंसिल क्या टाइम सेव्ड कैंसल हो जाएगा चलो ठीक है तो यहां पे लिखना फिफ्टी परसेंट ऑफ रेट पर आर इन टू एक मिनट मेरे को जरा बोलो बेसिक वेजेस का अभी अगर फॉर्मूला बनाने का रहेगा तो बेसिक वेजेस टाइम टेकन इनटू रेट पर आर बेसिक वेजेस तो वेस ही कंप्यूट करते हैं ना डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड तो इसके बाद मेरे ख्याल से ये और ये भी कंप्लीट हो जाएगा बस खत्म हो गया सब कुछ एक मिनट तुमको समझा कि प्रूव हो गया यस yes, सर अगर कभी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंट बोनस अंडर हेल्थ से एंड बोनस अंडर रोवन विल बिकम सेम नो सो दिस अपॉन दिस इज फिफ्टी परसेंट उसका मतलब क्या है जॉब इज कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम बोनस विल बी सेम नो देन ओके वो लिखो जरा प्लीज कंक्लूजन लिखो वेनेवर वेनेवर Job is completed in exactly half of the time allowed. Whenever job is completed in exactly half of the time allowed. Comma. Bonus under Halsain row 1 will be same. 这 <Channel. S 2> <music> आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन एग्जाम्स इज क्वेश्चन नंबर थ्री ओके छोटा सा क्वेश्चन है पढ़िए जरा प्लीज टू वर्कमेन विश्वा एंड भीमा प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटीरियल देर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो सेम सुनो 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 ये जो पिछले क्वेश्चन के अंदर बेसिक वेज रेट लिखा हुआ था ना ये जो बेसिक वेज ये जो आर्ली रेट लिखा हुआ था इस आर्ली रेट का नाम बहुत सारा नाम है कई लोग आर्ली रेट लिखता है कई लोग बेसिक वेज रेट लिखता है बेसिक वेज रेट मतलब इतना तो तेरे को मिल ही कई लोग इसको नॉर्मल वेज रेट लिखता है कई लोग इसको गारंटीड वेज रेट भी लिखता है गारंटीड वेज रेट क्यों भाई तू एफिशिएंट है या नहीं है लेकिन अगर तूने एक घंटा काम किया देखो बीस रुपया तो मिल ही जाएगा ठीक है दीज आर ऑल द ऑल्टरनेट नेम्स आर ये मैंने किधर ना किधर लिखा हुआ है एग्जैक्टली डोंट रिमेंबर लेकिन किधर ना किधर तो आएगा ओके मैंने किधर ना किधर तो आई वुड हैव रिटन दीज पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है अभी के लिए वो आगे चलता हूं अगर नहीं होएगा आई मेक यू ऑल राइट ओके आगे पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम ओके इज पेड अकॉर्डिंग टू हेल्थ सिस्टम चलो ठीक है टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज हंड्रेड आर्स फाइन विश्वा टेक्स सिक्सटी आवर्स वेल भी आवर्स टू कंप्लीट द प्रोडक्ट द फैक्ट्री ओवर हेड रेट इज रुपीज टेन पर मैन आर एक्चुअली वर्क द फैक्ट्री ओवर हेड रेट इज रुपीज टेन पर मैन एक्चुअली वर्क मतलब अगर एक वर्कर एक घंटा काम करेगा तो टेन रुपीज का फैक्ट्री ओवर एज का खर्चा होगा द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट For Vishwa is 7 to 8 0 and Bhi 7 6 0 0. You are required to find normal rate of wages. ठीक है, to find cost of materials and to prepare a statement comparing factory cost of the products as made by the two workmen. तुम लोग एक बार ये वाला सम फिर से पढ़ो, then I'll directly start only. मेरे को uh, I don't want to give you all a sum to try. Next question is almost a similar one that you all can try. एक बार पढ़ लो. हम लोग कोई प्रोडक्ट वो बनाते हैं हम लोगों ने उस प्रोडक्ट का एक यूनिट विश्वा को दिया एक यूनिट वो भीमा को दिया भाई तू बना तू बना ठीक है ऑब्वियसली यूजिंग द सेम मटीरियल फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैलसी का एक यूनिट तो विश्वा बना रहा है एक यूनिट जो है तो वो भीमा बना रहा है अभी दोनों के लिए जो मटीरियल लगेगा वो सेम होगा दोनों का नॉर्मल वेज रेट नॉर्मल वेज रेट बोले तो बेसिक वेज रेट वो भी सेम ही है ठीक है बस फर्क क्या है स्पीड बोनस अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू हेल्थ है है। का ले ले यहां पर फैक्ट्री कॉस्ट देके रखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर विश्व इज सेवन टू एट जीरो फॉर भीमा जीरो तुमको करना क्या है फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल ठीक है नॉर्मल रेट दोनों का सेम है लेट इट बी एक्स मटेरियल कॉस्ट दोनों का सेम ही होएगा क्योंकि वही प्रोडक्ट बना रहे हैं लेट इट बी वाई और उसके बाद ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो हम लोग एंड के अंदर वो देख लेंगे यू आर राइट डाउन प्लीज लिखो तुम लोग लेट द नॉर्मल लेट द नॉर्मल और बेसिक वेज रेट लेट द नॉर्मल और बेसिक वेज रेट बी एक्स लेट द नॉर्मल और बेसिक वेज रेट बी एक्स ठीक है नेक्स्ट साइन पर लिखना लेट कॉस्ट ऑफ द मटीरियल बी बाई चल सुनो क्या कर लेंगे एक यहां पे पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाएंगे एक विश्वा और एक भीमा काइंड ऑफ कौशिडी बना रहे हैं बेटा वैसे तो तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल अच्छा चाहे विश्वा प्रोडक्ट बनाए चाहे बीमा बनाए बेटा डायरेक्ट मटेरियल कितने रूपीस का लग जाएगा वाई तो यहां पे लिख देना डायरेक्ट मटेरियल उसके बाद डायरेक्ट लेबर लेबर ये ट्रिकी चीज है बी बी केयरफुल देखो डायरेक्ट इज गोइंग टू टू इन पार्ट्स फर्स्ट ऑफ देम इज बेसिक वेजेस बट बेसिक वेजेस के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है कितना आरस काम करेगा और रेट पर आर मेरे को बोलो विश्वा ने कितने घंटे काम किया सिक्सटी और रेट पर आर इज वाई नो तो यहां पे सॉरी इट इज एक्स ना तो सिक्सटी 60 एक्स और भीमा ने एटी आर्स लिया तो एटी एक्स आ जाएगा उसके बाद यहां पे अभी लिखना बोनस अच्छा ये उल्टा मत करना एग्जाम्स के ना बहुत लोग उल्टा करके आते हैं विश्वाय स्पीड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम और रोवन सिस्टम तो यहां पे राइटिंग रोवन ठीक है और यहां पर जो आंसर आएगा ना उसका कैलकुलेशन मैं इधर दिखा रहा हूं रोवन का फॉर्मूला क्या होता है टाइम सेव्ड एक मिनट टाइम सेवे को बोलो टाइम सेव कितना होएगा

यहां पे चाहो तो फॉर्मूला लिख देना टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इन टू बेसिक वेजेस आगे रोवन आ, हो गया हेल्थ से परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड इन टू रेट पर आ रहा तो 50% परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड बोले तो 50% परसेंट ऑफ टाइम सेव मतलब 20 नो इनटू यहां पर इनटू बेसिक वेजेस नहीं आया इनटू रेट पर आर होता है मेरे को बोलो रेट पर आर कितना X, लिया था एक्स तो ये आ जाएगा टेन एक्स ठीक है अच्छा सुनो 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 उन लोगों ने ना अपने को फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है मेरे को बोलो फैक्ट्री कॉस्ट शुड बी सम ऑफ थ्री कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आगे बोलो Direct है एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं बेटा क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स उन लोगों ने क्या लिखा था फॉर ईच आर द वर्कर वर्क फैक्ट्री ओवरहेड इज इनकट एट द रेट ऑफ टेन पर आर तो ये बंदे ने 60 आर्स लिए इंटू टेन तो 600 ये बंदे ने 80 आर्स लिए इंटू टेन एट फैक्ट्री कॉस्ट जो है विश्वा का था सेवन टू एट जीरो भीमा का था सेवन सिक्स जीरो जीरो बस मेरे ख्याल से इक्वेशन अपने सामने ही है सॉरी वाई प्लस सिक्सटी एक्स प्लस ट्वेंटी फोर एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन टू एट जीरो सुनो इसी को ना मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं वाई प्लस एटी फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स सिक्स एट जीरो सेकेंड वाला वाई प्लस एट्टी एक्स प्लस टेन एक्स प्लस एट हंड्रेड इज इक्वल टू सेवन सिक्स जीरो जीरो तो वाई प्लस नाइनटी एक्स इज इक्वल टू सिक्स एट जीरो जीरो तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लो सब कर लेते हैं वाई वाई विल गेट कैंसल ना सिक्स एक्स इज इक्वल टू वन ट्वेंटी एक्स इज इक्वल टू रुपीज ट्वेंटी पर आर इसको कोई भी इक्वेशन के अंदर डाल डालना बेटा ट्वेंटी को इसके अंदर डालो तो ये वन सिक्स एट जीरो वाई विल बी फाइव थाउजेंड अच्छा रिक्वायर्ड पार्ट में देख लेता हूं रिक्वायर्ड पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है टू फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एक सेकेंड टुवर्ड्स द एंड ना एक बार ऐसे लिख देना आंसर्स तो नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस मतलब एक्स का वैल्यू ना रुपीज ट्वेंटी पर आर बी फाइन कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स बोले तो एक्स मतलब वो वाई वाला आंसर वो कितना था फाइव थाउजेंड सी स्टेटमेंट कंपेयरिंग फैक्ट्री कॉस्ट स्टेटमेंट कंपेयरिंग फैक्ट्री कॉस्ट तो देखो यही वाला जो कॉशीट बनाया था ना बेटा यही स्टेटमेंट है यार बस ना इसको नंबर्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और कुछ नहीं विश्व भीमा तो यहां पे लिख देना मटेरियल्स फाइव थाउजेंड यार डायरेक्ट मटेरियल्स लिख दो तो चलेगा अच्छा डायरेक्ट लेबर बस थोड़ा सा ध्यान से जो मैं अभी तुमको बोलने वाला हूं देख एंड तो टोटल हो जाएगा एट्टी फोर एक्स एक सेकेंड ना और इधर एट्टी एक्स प्लस टेन एक्स मतलब टोटल हो जाएगा 90x एक्स और एक्स का वैल्यू ट्वेंटी है सो so 84 फोर इंटू ट्वेंटी वन सिक्स एट जीरो एंड एटीन हंड्रेड और फैक्ट्री ओवरहेड्स तो 600 और 800 आपके पास है ही है तो दिस विल बी फैक्ट्री कॉस्ट इनफैक्ट फैक्ट्री कॉस्ट भी आपके पास है ही है बेटा मैंने इस क्वेश्चन के शॉर्ट्स के अंदर ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं होएगा शायद लेबर कॉस्ट विल इंक्लूड बेसिक वेजेस प्लस बोनस यू ऑल नो दैट फैक्ट्री कॉस्ट विल इंक्लूड मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री वी ऑल नो दैट सिंस डेज ऑफ ठीक है चलिए आज के लिए तो बंद करते हैं टुमारो वी विल कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली यहां पे ना थोड़ी देर के बाद हर क्वेश्चन अजीब होएगा ओके सम पढ़ के अंडरस्टैंड करके ही आंसर्स आएंगे ठीक है तो आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय